औद्योगिक थाना क्षेत्र के रसूलपुर में दूध के छीए के पास बाइक से देवास से शिप्रा के ग्राम सुकलिया जा रहे पीएचई कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया। पीएचई में पदस्थ कर्मचारी लखन पिता प्रभुलाल मालवी उम्र 34 साल निवासी ग्राम सुकलिया शिप्रा बाइक से ड्यूटी खत्म करने के बाद घर जा रहा था, तभी रसलपुर चौराहे पर दूध के ठिए के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे लखन मालवी पैर में चोट लगने से गंभीर घायल हो गया। गंभीर घायल लखन मालवी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत के चलते लखन को परिजन निजी अस्पताल ले गए। ये दूध के ठिया पे ये गमे आया था, सिंधवास से आ रहा था इकल्ला मेरी गाड़ी से। मैंने देखा मेरी गाड़ी पे कौन पड़ा है बीच वहाँ पे, मैंने देखा वहाँ पे वही निकल लिखा वहाँ पर भाई लखन ये सिपरा का, ये लखन एम्बुलेंस का। मैंने ये आधा घंटा तो फोन लगाया, एम्बुलेंस आए भी नहीं, कोई भी नहीं आया वहाँ पे। कौन सी गाड़ी से थे ये? मोटरसाइकिल से। क्या नाम है इनका? लखन, लखन मालवी। तो कहाँ से आ रहे थे ये? ड्यूटी से आ रहे थे। कहाँ पे करते हैं ड्यूटी भाई साहब? पीएससी में। थोड़ी देर पहले एक एक्सीडेंट केस आया था जिसका के नाम है लखन पिता प्रभुलाल, ये सुकलिया शिप्रा का रहने वाला है। इसका इधर रसलपुर चौराहे के आसपास का एक्सीडेंट हुआ था और इसकी एक्सीडेंट में शायद इसका हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है। तो यहाँ पे इसका मरीज का इलाज चल रहा था और मरीज़ को हमने उसके बाद इंदौर की सलाह दी थी जाने की, लेकिन शायद मरीज़ इंदौर नहीं गिरा के कहीं दूसरी जगह गया है।